Hi, this is Ansh from IMS Pro School. Welcome back to our YouTube channel. In our previous video, हमने ACCA के knowledge level के बारे में सारी चीजें discuss की थी. कितने papers होते हैं, pattern क्या होता है, कैसे prepare करना चाहिए. We are going to do a similar exercise for skill level today. We will talk about कितने papers होते हैं, कब कब दे सकते हैं, pattern क्या होता है, a few details about all of the subjects and थोड़े से tips and tricks on how to prepare for these examinations. So let's get right into this video. To begin with, हमें ये तो पता है ACCA में 13 papers होते हैं, skill level में total 6 papers होते हैं. अब इनमें से 5 papers का exam pattern, exam timing सब कुछ similar होता है, लेकिन एक paper, which is the first paper of the skill level, also known as F4 और corporate and business law, इसका paper pattern थोड़ा सा different होता है. So before we talk about these subjects in detail and क्या-क्या cover होता है इन subjects में, let's discuss the paper pattern. सारे exams, जितने भी skill level exams होते हैं, all are 3-hour पेपर. ये सारे एग्जाम्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, विच मींस आपको प्रोमेट्रिक के सेंटर पे जाना पड़ेगा एंड आपको एक कंप्यूटर अलॉट होगा, उस पर आप अपना टेस्ट देंगे. ऑब्वियसली बिकॉज ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, दैट मींस आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे होंगे जो आप एक कंप्यूटर पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, कुछ भी लिखना नहीं होगा आपको. ये सारे पेपर्स में एक सेक्शन ए होता है विच इज एन MCQ बेस्ड टेस्ट एंड सेक्शन बी होता है विच इज अ लॉन्ग फॉर्म टेस्ट. इसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेंगे और आपकी एनालिटिकल थिंकिंग टेस्ट करेंगे. तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको कैलकुलेशंस टाइप करनी पड़ेंगी, अपने आंसर्स टाइप करने पड़ेंगे, थिंग्स लाइक दैट. अब ये सारे एग्जाम्स, ऑल 6 ऑफ देम आर 100 मार्क्स ईच. पास होने के लिए आपको चाहिए 50 मार्क्स आउट ऑफ दीज 100 मार्क्स. नाउ लाइक आई टोल्ड यू, इसमें एक डिफरेंस है. 6 में से 5 पेपर्स जो हैं वो आपके साल में 4 बार कंडक्ट होते हैं, which means there are specific exam windows 4 times a year. आप उसमें अपना स्लॉट बुक करके एग्जाम दे सकते हैं. बट जो फर्स्ट पेपर है कॉर्पोरेट और बिजनेस लॉ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लॉ बोलेंगे, also known as F4, ये पेपर ऑन डिमांड होता है लाइक द नॉलेज लेवल पेपर्स. तो जैसे नॉलेज लेवल में होता है आप जब प्रिपेयर हो जाते हैं एग्जाम के लिए आप जाके एग्जाम दे सकते हैं, वैसे ही लॉ आप जब भी प्रिपेयर होते हैं ऑन डिमांड होता है, आप जाके दे सकते हैं. बाकी सारे आपको स्लॉट बुक करके एग्जाम विंडोज में देने पड़ेंगे. सो नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड द एग्जाम पैटर्न, कब कब होते हैं एग्जाम्स, लेट्स गेट इनटू द डिटेल ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. सो द फर्स्ट पेपर वी विल टॉक अबाउट इज द ऑन डिमांड पेपर लॉ. अब लॉ बाय द नेम सजेस्ट, इस पेपर में आपको लॉ के डिटेल्स पढ़ाएंगे. कौन से लॉस पढ़ाएंगे आपको, कंपनी लॉ पढ़ाएंगे, बिजनेस लॉस पढ़ाएंगे. सो बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कौन से टाइप के होते हैं, उनका लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है, क्या क्या लॉस रिलेटेड होते हैं टू रन अ बिजनेस, टू रन अ कंपनी, टू रन अ पार्टनरशिप, ये सारी चीजें आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं. द नेक्स्ट पेपर इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. अगर आपने कॉस्टिंग सुना होगा या मैनेजमेंट अकाउंटिंग सुना होगा फ्रॉम KL, तो दिस इज वेरी सिमिलर टू दैट. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में बेसिकली आपको ये सिखाते हैं कि सबसे पहले तो कंपनी की परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं, देन आपको टूल्स सिखाते हैं कि परफॉर्मेंस को बेटर कैसे कर सकते हैं, एंड ये सारे एनालिसिस के बेसिस पे आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करनी होती है. सो जैसे मैंने आपको बताया, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करने के लिए, टूल्स सीखने के लिए टू मेक योर परफॉर्मेंस बेटर, आपको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, जैसे वेरियंस एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग. इसके अलावा डिसीजन मेकिंग, फॉरकास्टिंग, प्लानिंग, ये सब करने के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स भी सिखाते हैं और बहुत सारे और कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल सिखाते हैं, सो दैट आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग बेटर परफॉर्म कर सके. द नेक्स्ट पेपर दैट वी विल स्पीक अबाउट इज टैक्स. अब टैक्स में ऑब्वियसली आपको पर्सनल टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्सेस, एक बिजनेस के लिए टैक्सेस, ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सिखाते हैं. टैक्स सिस्टम्स के बारे में पढ़ाते हैं, कैपिटल गेन्स, प्रॉफिट्स, ये सब कैसे निकालते हैं, जिन पे टैक्स लगता है, टैक्स के रेट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको टैक्स के पेपर में पढ़ाते हैं. तो व्हेन वी टॉक अबाउट ACCA एंड वी से कि आप ऑडिट या टैक्स में एंटर कर सकते हैं एज अ प्रोफेशन, देन दिस पेपर एक्ट्स एज अ फाउंडेशन फॉर दैट. नाउ योर नेक्स्ट पेपर इज गोइंग टू बी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. अब FR का जो पेपर होता है इसमें प्रीडोमिनेंटली आपको IFRS के बारे में पढ़ाते हैं. सो IFRS के अकॉर्डिंग आप कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक कंपनी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, उनका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, ये सब आपको इस पेपर में सिखाते हैं. एनालिसिस में आप रेशियो एनालिसिस करना सीखते हैं, हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट कैसे करते हैं वो सीखते हैं, एंड बहुत सारी और रेगुलेटरी एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स देखते हैं फॉर ईच सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. द नेक्स्ट पेपर इज गोइंग टू बी फाइनेंशियल मैनेजमेंट. नाउ एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे आप एक कंपनी के फाइनेंसिस को मैनेज करना सीखते हैं. दैट मीन्स आप पहले तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद आप कंपनी को वैल्यू करना सीखेंगे, आप ये भी सीखेंगे कि कैपिटल कैसे डिसाइड करते हैं कंपनी का, कितना डेट
डेट होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल कैसे मेंटेन करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर सीखते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सिक्स्थ पेपर ऑफ द स्किल लेवल और द नाइन्थ पेपर इन द ACCA एग्जामिनेशन विच इज ऑडिट। सो ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस के पेपर में ऑब्वियसली आप ऑडिटिंग के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, स्टैंडर्ड सीखेंगे कि किन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके आपको ऑडिट करना चाहिए, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू एन ऑडिट ये सब सीखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट्स के बारे में सीखेंगे, इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट। इसके अलावा ऑब्वियसली रिस्क असेसमेंट करेंगे, एक ऑडिट कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके प्रोसीजर्स क्या होते हैं उनके बारे में सीखेंगे, एंड फाइनली ऑडिट रिपोर्ट बनाना सीखेंगे कि जब आप ऑडिट कंप्लीट कर लेते हैं एक कंपनी का तो आप उनकी रिपोर्ट कैसे ड्राफ्ट करते हैं। अगेन बिकॉज जब भी हम एक CA या ACCA के बारे में बात करते हैं हमारे दिमाग में ऑडिट, टैक्स ये सबसे पहले आता है, तो दिस इज अगेन अ पेपर विच विल बिल्ड योर फाउंडेशन इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टू ऑडिट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट दैट यू विल हैव टू स्टडी इन द स्किल लेवल। सिक्स पेपर्स होते हैं एंड साल में चार बार कंडक्ट होते हैं, तो इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल शेड्यूल, सो दिस इज डेफिनेटली अ गुड प्लेस टू स्टार्ट इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड अ करियर इन अकाउंटिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिट एक्सेट्रा। फॉर स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी गिवन नॉलेज लेवल और वो स्किल लेवल में आ रहे हैं, तो उनको ऑलरेडी थोड़ा आइडिया होगा कि एक प्रोफेशनल एग्जाम कैसे देते हैं, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको नॉलेज लेवल एग्जेम्प्टेड होगा क्योंकि वो ग्रेजुएशन के बाद आ रहे होंगे या फिर उनके पास कोई और डिग्री होगी, दे माइट नॉट बी सो फेमिलियर विद द प्रोफेशनल एग्जाम, क्या सेटिंग में देना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। सो आई विल गिव यू अ फ्यू पॉइंटर्स, 3-4 पॉइंटर्स टू हेल्प यू सी हाउ टू प्रिपेयर फॉर द स्किल लेवल एग्जाम्स एंड वॉट यू शुड डू सो दैट यू कैन क्रैक इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको किस ऑर्डर में एग्जाम्स देने हैं। यू शुड हैव अ क्लियर प्लान इन योर माइंड बिकॉज 6 पेपर्स हैं एंड एक एक करके आप पेपर्स दे सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है कौन सा पेपर कब देना है। ये काफी सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है बच्चों के माइंड में, विच बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम एट द एंड। सो सबसे पहले तो यू शुड एलिमिनेट ऑल कंफ्यूजन अबाउट विच पेपर टू गिव फर्स्ट, लास्ट, बीच में कौन से ऑर्डर में देना है। काफी सारे लोग अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके बीच बीच में अपना प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बदल देते हैं, कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो ही बदल देते हैं, सोचते हैं हम FR पहले देंगे बट कोई और FM कर रहा होता है तो हम FM पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये एलिमिनेट करना है, प्लीज बी क्लियर कि आप कौन से अटेम्प्ट में कौन सा पेपर देंगे एंड दैट विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। वंस यू नो विच एग्जाम टू गिव, प्लान योर सिलेबस प्रॉपरली। अगर आप किसी ट्रेनिंग सेंटर या कोचिंग क्लास के पास जा रहे हैं, रेगुलरली क्लासेस अटेंड करिए और अपना पोर्शन कंप्लीट करने की कोशिश करिए एज सून एज पॉसिबल सो दैट यू गेट इनफ टाइम फॉर प्रैक्टिस, बिकॉज यहाँ पे स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिस इज द की। जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपका एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड उतने क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगेन कमिंग टू क्लासेस, प्लीज़ चूज योर क्लासेस वाइजली। जो रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं पढ़ने के लिए प्लीज़ चूज दोज वाइजली, मेक श्योर दे आर अपडेटेड टू डेट, मेक श्योर कि आप रेकमेंडेड स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं, BPP, Kaplan ये सब यूज़ करते हैं लोग ACCA के लिए पढ़ने के लिए। अब ऑब्वियसली कोई भी एग्जाम होता है यू शुड फोकस ऑन हाईली वेटेड टॉपिक्स, मतलब अगर आपको पता है कि ये टॉपिक्स की वेटेज ज़्यादा है, यहाँ पे से क्वेश्चन आता ही है, सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस इनफ क्वेश्चंस फ्रॉम दोज टॉपिक्स। इसके अलावा ऑब्वियसली प्रीवियस पेपर्स देख लीजिए, मॉक एग्जाम्स देख लीजिए, मॉक एग्जाम्स एग्जाम कंडीशन में बैठ के दीजिए 3 घंटे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, जैसे एग्जाम आप देने वाले हैं वैसे बैठ के दीजिए, बिकॉज दैट विल ओनली हेल्प यू विद योर टाइम मैनेजमेंट, योर स्पीड, कितना क्वेश्चन को कितना टाइम कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ये सब मॉक एग्जाम देने से ही आता है। सो प्लीज डोंट स्किप एनी मॉक एग्जाम्स एंड ऑल्सो डू लुक एट द पास्ट पेपर्स। ऑफकोर्स इफ यू हैव ऑल ऑफ दिस अंडर कंट्रोल देन नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम पासिंग इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड रिमेंबर कंसिस्टेंसी इज की। कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहिए एंड दैट विल हेल्प यू अलॉट। इसके अलावा ऑफकोर्स प्लीज़ थोड़े से ब्रेक्स भी लीजिए, अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करिए, बिकॉज ये इतने सारे पेपर्स हैं, जो लोग 13 पेपर्स दे रहे होते हैं उनके लिए तो ये नंबर ऑफ पेपर्स भी बहुत सारा होता है, कंटेंट भी बहुत सारा होता है, इतना पढ़ पढ़ के इंसान भी थोड़ा डिमोटिवेटेड फील करने लग जाता है। सो प्लीज़ ऑल्सो फोकस ऑन अदर एक्टिविटीज, डोंट जस्ट कीप स्टडिंग, अपना स्ट्रेस भी मैनेज करिए एंड दैट विल हेल्प यू सक्सीड। सो दैट वॉज इट अबाउट द स्किल लेवल, काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिए हैं इस वीडियो में, बट इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस अबाउट द स्किल लेवल और ACCA इन जनरल, स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, दैट विल लीड यू टू आवर काउंसलर टीम, यू कैन कॉल अस एंड डेफिनेटली ऑल योर डाउट्स विल गेट सॉल्व। इसके अलावा इफ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट द ACCA कोर्स और ACCA लेक्चर्स, क्लासेस, प्लेसमेंट्स दैट प्रो स्कूल प्रोवाइड्स और बेनिफिट्स दैट यू कैन रिसीव व्हेन यू परस्यू द ACCA कोर्स विद प्रो स्कूल, देन आल्सो यू कैन गिव अ कॉल ऑन दिस नंबर एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। बिफोर आई एंड दिस वीडियो आई वुड जस्ट लाइक टू से ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी हु इज गिविंग द स्किल लेवल, नॉलेज लेवल,
level, professional level exams. And if you need any help with your exams, do leave a comment down below. If you like this video and you like the content that we make, don't forget to press the like button and also please subscribe to our channel. Also do push the bell notification because jab hum banayenge video, aapko aayegi notification and I'll see you in the next one.